अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मुझे वॉक पे जाना था और जूते भी पहनने थे। आंटी और दी कोई घर पे भी नहीं है तो मैं खुद ही ट्राई कर रही थी। पूनम और ऋतु अभी आते होंगे, उनके लिए वेट कर लो, बाद में चली जाना। आप ही मुझे जूते पहना दीजिए। कल मेरी नॉनवेज की बात पे जितनी ऊंची आवाज में चिल्लाए थे ना नरेश गोयल, आज उतना ही नीचे गिरेंगे आप। इस लड़की की हिम्मत भी कैसे हुई मेरे पापा जी को जूते पहनाने के लिए कहने की। एक बाप अपनी बेटी या बहू की इच्छा से मदद करे तो अच्छा लगता है, लेकिन उसके लिए इंसान की नीयत और दिल दोनों साफ होने चाहिए, इस हमजता के जैसे नहीं। मैम तुम्हें जूते पहना दीजिए ना अंकल, वॉक पर जाना है और बच्चे की सेहत के लिए भी अच्छा होता है। ठीक है रहने दीजिए, मैं ऐसे ही चली जाती हूँ। आ मेरा बच्चा। अमृता रुको, मैं पहनाता हूँ तुम्हें जूते। थैंक यू अंकल। अंकल आराम से। आज पूजा अच्छे से हो गई ना? हाँ माँ, बस अब निहार भैया और अमृता का बेबी भी अच्छे से हो जाए। लाइट्स तो ऐसी तभी होती है जब रुचिता की आत्मा आसपास होती है। अरे अभी तो तुम कह रही थी कि वॉक पे जा रहे। ये क्या कर रहे थे आप प्रतीक के पापा?
अमृता को जूते क्यों पहना रहे थे आप? उसने कहा कि उसके पेट में दर्द है, वो चुप नहीं पा रही और उसे तो उसे हेल्प कर रहा था मैं। पापा जी, अमृता की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं अभी जाके उससे बात करती हूँ। आज अपनी हद पार कर दी इस लड़की ने। क्या हुआ मॉम? तुम्हें पता है? कुछ नहीं बेटा, ऑफिस की बात थी। चलो तुम जाओ, जाकर फ्रेश हो। पक्का पापा, और कोई बात नहीं है? नहीं नहीं बेटा, सब ठीक। ठीक है। आपने मुझे निहार से कहने क्यों नहीं दिया? पूनम वो पहले से बहुत कुछ झेल रहा है, इस बात का सच अगर उसे पता चलता तो पता नहीं वो क्या कर लेता। रुचिता की प्रॉब्लम क्या है? मरने के बाद भी अपनी फैमिली के लिए तड़प रही है। अब ये मेरा होने वाला ससुराल है, मैं जो चाहे वो करूं। अमृता, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई पापा जी से अपने जूते बनवाने की? हाँ तो क्या हो गया दी? बचपन में कभी मौसा जी ने आपके जूते के लिए इसने बात दी थी क्या? अमृता, बचपन की बात अलग होती है। क्या तुमने इतने बड़े होने के बाद भी पापा से वो सारे काम करवाए हैं? बिल्कुल नहीं, पापा है वो मेरे। एग्जैक्टली अमृता, तो पापा जी भी ना पापा है हमारे। जानती हूँ दी, पर मुझे झुकने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी तो मैंने उन्हें झुका दिया अपने सामने। इसमें आप इतना क्यों रिएक्ट कर रही हो? और जूते के लेस ही तो बांध रहे थे, कौन सा पाँव छू रहे हो? अमृता! मेरा मन कर रहा है ना मैं खींच के थप्पड़ लगा दूं तुम्हें, पर सिर्फ तुम्हारी प्रेगनेंसी की वजह से मेरा हाथ रुक गया है। आई एम सॉरी दी, अंकल को नीचा दिखाने का इरादा नहीं था मेरा। आप फालतू में मुझसे नाराज हो रही है, और अगर ऐसा ही रहेगा तो हम दोनों आगे चल के कैसे घर संभालेंगे? अमृता, घर संभालने से पहले ना रिश्तों की मर्यादाओं को समझो। और एक बात कान खोल के सुन लो, आइंदा अगर तुमने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कितनी बेवकूफ है मेरी बहन। मैं यहाँ हम दोनों को इस घर में मजबूत करने की कोशिश कर रही हूँ, और ये है कि इसे संस्कारी बहू बनना है। जब अपनी सास और दादी सास की असलियत सामने आएगी ना तब अकल ठिकाने आएगी इसके। अमृता की बदतमीजियां कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही हैं दादी जी। आज उसने पापा जी को जूते बंधवाने पे मजबूर कर दिया। हमें उसकी नकली प्रेगनेंसी का राज जल्द ही बाहर लाना होगा। सही कह रही हो तुम बेटा, उसने मेरे बेटे का सर झुकाया है आज। उसका घमंड कुछ ज्यादा ही सर चढ़ के बोलने लगा है। इस बार नहीं बचेगी अमृता। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसते हो लोग को जाकर राम दूत अतुलित बलधामा अंजनी पत्र पवन सुखनामा महावीर विक्रम बजरंगी। चलो अच्छा है, मेरा पार्सल तो जल्दी आ रहा है। इस बार नहीं बचेगी अमृता। अमृता के पाप का घड़ा भर चुका है दादी जी।
रंजिता की आवाज तो आती के कमरे से। उसके झूठ के दिन अब खत्म। मैंने रुचिता की आवाज सुनी। यहाँ रुचिता यहाँ कैसे आ सकती है? वो तो मर चुकी है ना। रुचिता यहाँ थी ना दादी, आप उससे बात कर रही थी ना। आपके ऐसे घूरने से मैं डरने वाली नहीं हूँ। बताइए रुचिता कहाँ है? दादी, आपकी आवाज रुचिता जैसी कैसे? दादी नहीं, रुचिता हूं मैं। रुचिता, मैं दादी के शरीर में प्रवेश कर चुकी हूँ। नाटक करने का बहुत शौक है ना इसे। अब इसे इसी की नाटक में देखिएगा कैसे फंसाती हूं मैं। संभाल अब खुद को, काम पे ध्यान दे। ये देखो फिर से सारा कमरा बिखरा हुआ है। साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान ही नहीं रखना है इन्हें। खाटू महाराज जी, थोड़ी तो सद्बुद्धि दे दीजिए मेरे पति को। ये कमरा किसने साफ किया? वो भी बिल्कुल रुचिता की तरह। क्यों होता है ऐसा मेरे साथ?
रुचिता के ना होने के बावजूद भी ऐसा क्यों एहसास होता है जैसे वो यहीं कहीं है मेरे आसपास? क्योंकि मैं आपके पास ही हूं निहार जी, बस आपके सामने नहीं आ सकती। एक बार अमृता का खेल खत्म कर दो, उसके बाद मुझे आपसे कोई दूर नहीं कर पाएगा। मेरा ही पार्सल होगा, इससे पहले किसी और के हाथ लगे मैं ले लेती हूँ। मिस अमृता? यस। आपका पार्सल है। जी थैंक यू। अच्छा हुआ ये पार्सल किसी और के हाथ नहीं लगा, वरना प्रॉब्लम होती। अमृता पंडित जी आ रहे हैं शाम को तुम्हारी शादी की डेट निकालने के लिए, तैयार हो जाना अच्छे से। ये पक्का वही पार्सल है जो अमृता ने मंगवाया था। मुझे कुछ करना पड़ेगा। Fantastic। अब जैसे ही मुझे 9 महीने की प्रेगनेंसी का नाटक करना होगा, मैं इस पेट को लगा लूंगी और किसी को शक भी नहीं होगा। अब इसे रख देती हूँ, पंडित जी आने वाले हैं, पहले नहा के रेडी हो जाती हूँ, फिर इसे ट्राई करूँगी। नकली पेट लगा के तुम मेरे परिवार वालों को बेवकूफ बनाना चाहती थी ना? अब ये नकली पेट लगाते ही तुम्हारे नकली प्रेगनेंसी का खुलासा भी हो जाएगा। पंडित जी, अमृता और निहार की शादी की तारीख निकलवानी है। अब अमृता की जन्म कुंडली तो है नहीं हमारे पास, आप उसका हाथ देख कर ही बता दीजिए कोई शुभ तारीख। जी ठीक है, आप कन्या को बुलाइए। जी पंडित जी, मैं अभी बुला खिलाती। नहीं नहीं ऋतु, तुम रुको, पंडित जी को चाय नाश्ता करवाओ, मैं लेकर आती हूँ अमृता को। एक बार इस नकली पेट को ट्राई तो कर लो।
परफेक्ट है। अब इसे निकाल देती हूँ, 9 महीने होने पर लगाऊंगी। पंडित जी आते ही होंगे, जल्दी से तैयार होके नीचे चली जाती हूँ। कितनी भी कोशिश कर लो अमृता, ये सुपर ग्लू है। ये नकली पेट तो अब निकलने से रहा। ट्राई कर लिया, सारे पैंतरे आजमा लिए, लेकिन ये तो निकलने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर ये नहीं निकला तो मेरा सारा खेल यहीं खत्म हो जाएगा। हाँ अमृता, सही कहा, तुम्हारा खेल अब खत्म।